हेलो मित्रों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आई हूँ एक नई कहानी लेके, कहानी नहीं एक्चुअली, मैं आई हूँ एक नई वीडियो लेके आप लोगों के सामने। और ये वीडियो है मेरी शादी के एल्बम को लेके। आप लोगों ने मेरी शादी की एल्बम देखी थी, जो मेरी एल्बम थी वो मेरी मायके की एल्बम थी। अभी मैं लेके आई हूँ ससुराल वाली एल्बम आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैंने सोचा इसका एक अलग से वीडियो मैं आप लोगों के साथ बना दूं। व्लॉग में तो डेली लाइफ ही देखने में बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाता है, तो अलग से बनाते हैं। दक्ष घर में नहीं है अभी, वो स्कूल गया है, तो मैं अकेले सब कुछ शूट कर रही हूँ। तो किसी टाइम पे कैमरा सामने होगा, किसी टाइम पे मेरे हाथ में होगा, तो माइंड मत कीजिएगा। तो ये है मेरी शादी की एल्बम। देखिए, जो वाली एल्बम थी वो एक फाइल जैसी थी, ये ऐसे बुक जैसी है, इतनी मोटी है, काफ़ी मोटी है। पहले के जो वहाँ के कैमरा मैन थे, शायद बहुत पुराने टाइप के थे, उनको फोटो खींचने में भी इतना टाइम लग रहा था ना, मैं आपसे क्या ही बताऊं। मतलब मैं अगर मेहंदी दिखाने की बात है, मेहंदी दिखा रही हूँ, मैं ऐसे खड़ी हूँ खड़ी हूँ, 5 मिनट करीबन उनको लग रहा था फोटो खींचने में, तब तक मेरा हाथ भी ऐसे ऐसे ऐसा हो जा रहा था। और जब तक हम गाँव पहुँचे, तब तक कंडीशन भी बहुत ख़राब हुई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। इसलिए तो इसमें की फ़ोटो ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। मैं आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं जब भी कोई भी बात बताती हूँ, सच बताती हूँ, कोई बनावटी बातें नहीं बताती हूँ। उनका कैमरा शायद बहुत पुराना था, वो हस्बैंड के पहचान वाले थे, गांव वाले कोई थे, तो एक रिलेटिव है, पहचान वाले हैं या दोस्त हैं, जो भी हैं गांव वाले हैं, उसके नाते उन्होंने शायद बुकिंग उनको दे दी थी, क्योंकि उनकी आदत ऐसी थी, वो हमेशा अपने साथ वालों को साथ लेके चलते थे, उनको काम देते थे। तो यही सब है, तो एल्बम की शुरुआत करते हैं जल्दी जल्दी। और आज मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है, जब मैं ये एल्बम ढूंढ रही थी उस टाइम पे, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ भी ज़रूर बताऊंगी और दिखाऊंगी बाद में। तो जब दिखाऊंगी तब दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कैमरा स्टैंड करके बनाने की कोशिश कर रही थी, बट नहीं बन रही है वैसे करके, तो मैंने ऐसे हाथ में पकड़ लिया है फ़ोन, तो ऐसे ही बनाती हूँ मैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फ्रंट पे इसमें गणेश जी बने हैं, बड़े ही सुंदर से। ये सब कुछ तो बहुत सुंदर है, बट फोटोज़ का मैं क्या कहूँ आप लोगों को, आप खुद ही देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा और ये रही पहली फ़ोटो। देखिए सेम वही फ़ोटो है, लाइट पड़ रही है यहाँ पे। अगर मैं लाइट बंद कर दूँगी तो आप लोगों को दिखेगा नहीं एक्चुअली, इसलिए तो अभी मैंने एक लाइट बंद कर दिया, अंधेरा दिख रहा होगा काफ़ी। तो देखिए ये फ़ोटो है शादी की, इसमें देखिए ये फ़ोटो उसमें देखी थी आपने, उसमें कितनी अलग दिख रही थी और इसमें कितनी अलग दिख रही है। तो अलग आगे को बढ़ते हैं अभी। अब देखिए उल्टी सीधी फ़ोटो लगाई हुई है, कभी कहीं कुछ कहीं पे कुछ कहीं पे। तो ये है सेकंड पन्ना है ये। अब बढ़ते हैं यहाँ ससुराल पक्ष की शादी की वीडियो की एल्बम की तरफ। मेहंदी हल्दी सब कुछ इसमें आप लोगों को दिखेगा। तो देखिए ये है मेहंदी की फ़ोटो, ये रहे मेरे हस्बैंड यहाँ पर बैठे हैं, और ये चाचा की बेटी है हमारे, तो काफ़ी बड़ी हो गई। और ये है मेरी नंद, जो दक्ष की बुआ है वो ये है, और ये फूफा जी हैं उसके, बाकी सब रिलेटिव हैं इसमें काफ़ी। ये मेहंदी के दिन की फ़ोटो है, यहाँ पे भी बुआ है और ये बहन है, ये चाची हैं, ये देवर हैं। अच्छे से दिख नहीं रही होगी इसमें, ये देखिए कैसे दिख रहे हैं कमज़ोर काफ़ी। दूसरा पन्ना दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये मेहंदी है जो लगाई थी, और यहाँ पे के लिखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, उल्टा पी और के लिखा है एक्चुअली, ऐसे लिखेगा आप लोगों को। ये देखिए पी और के लिखा हुआ है हाथ में। देखिए फ़ोटो से आपको पता चला होगा, बहुत धुंधली फ़ोटो हुई है ये। और ये सब लोग डांस कर रहे थे मेहंदी में, अब तो इसकी भी शादी हो जाएगी। और ये कितने कमज़ोर लग रहे हैं इसमें, देखो मेरे हस्बैंड काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं। और ये मेहंदी लग रही थी जब हाथों में, ये मेरी सास हैं पीछे दिख रही हैं। ये धुंधली फ़ोटो है सारी, पूरी धुंधली फ़ोटो है, कोई भी क्लीन नहीं है। मेहंदी का फंक्शन है, उसी की फ़ोटो है। ये देखिए लड़कियों की तरह पोज दे रखा है बिल्कुल मेहंदी का। ये देखिए ऐसे दिख रहा है इसमें। और ये अपनी मेहंदी, अपनी शादी के दिन भी इनको चैन नहीं था, ये गाना गा रहे थे यहाँ पर। देखिए ये जो सिंगर्स होते हैं, जो डांसर होते हैं, उनका यही होता है। यहाँ पर भी ये कुछ न्योली या छपेली गा रहे होंगे शायद मेरे ख्याल से। और ये है मेरे ससुर जी और ये मेरी सास है, जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग देख सकते हैं। और बहुत से सवाल उठते हैं, मेरी सास कहाँ है इसको लेके, तो इसके जवाब भी मैं जल्दी दूंगी आप लोगों को, चिंता मत करिए। फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि सब कुछ सही है, कुछ ख़राब नहीं है। तो
ये मेरे ससुर जी हैं जो बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, और ये मेरी सास हैं, और ये बुआ है दक्ष की। ये भी मेहंदी का है, मेहंदी का फंक्शन चल रहा है। सब रिलेटिव हैं, कोई बहनें हैं, कोई भांजी हैं, कोई भतीजियां हैं, कोई चाची है, कोई दीदी है। ये चाची हैं, ये दीदी लगती हैं इनके रिलेटिव में। तो सब मेहंदी के फंक्शन की फ़ोटोज़ हैं ये। ये देखिए, और ये है सुबह हल्दी की फ़ोटो, इसमें हल्दी लग रही है। मॉर्निंग की है, मेहंदी की फ़ोटो जो है वो रात की है, और ये जो हल्दी की फ़ोटो है ये सुबह की है। ये देखिए, गांव का घर है ये हमारा, पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा। ये पंडित जी हैं, मेरे ससुर जी हैं। ये बारात हल्दी के बाद जब बटीती है तो लगाते हैं ना, कुमकुम वगैरह लगाते हैं माथे में, तो ये उसकी फ़ोटो है ये वाली। इसमें बहुत फ़ोटोज़ हैं, मेरे में इतनी नहीं थी। ये देखिए, गणेश पूजा, हल्दी, जो जो भी होता है उन सब की फ़ोटो है। ये बारात जब तैयार हो गई थी तब की फ़ोटो है। ये नंद है, ये मेरी नंद की बेटी है, अब तो ये काफ़ी बड़ी हो गई, इसका भाई भी बड़ा हो गया। और ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये फेस देखो ज़रा, कैसे होंठ बनाए हैं यहाँ पर आड़े टेढ़े जानबूझ के। और कैमरामैन भी इतना अच्छा था कि वो भी ये नहीं सोच रहा है कि दूल्हा है भाई, वो तो उसके साथ कोई हंसी मजाक कर रहा होगा तो ऐसी फ़ोटो ना निकाले। उसने भी ऐसी फ़ोटो निकाल दी। ये भी बारात की फ़ोटो है। ये देखिए, यहाँ पर तैयारी हो रही है, ये मेरे सास ससुर हैं, पूजा पाठ हो रही है यहाँ पर। और ये वाली फ़ोटो सही है, ये वाली फ़ोटो अच्छी आई है जो सहरे में है। और ये आड़ी टेढ़ी फ़ोटो लगाई ना एक, तो मेरी भांजी है ये नंद की बेटी, अब तो ये 12th में पढ़ रही है। यहाँ पर भी यही है। मैं कितना एंगल से कैमरा घुमाऊँ, देखिए पहले के ज़माने के दूल्हा दुल्हन के पोज, सहरा हटा के होते थे। यहाँ पर कमल का फूल बना दिया है। ये तो सब ऐसे ही फोटोज हैं। और यहाँ पर सब ये मेरी सास हैं, ये इनकी देवरानी है, मतलब चाची हैं, ये जेठानी हैं, और ये भी जेठानी हैं, मतलब ये सगे देवरानी जेठानी हैं, ये रिलेटिव हैं, ये भी सगे हैं मतलब रिश्ते में हैं। मेरी सास लोग चार देवरानी जेठानियाँ हैं, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ नंद और उनके हस्बैंड दक्ष के बुआ और फूफा जी, और ये मामा जी हैं, ये भी मामा जी हैं, ये उनकी लड़की है, ये चाची, इनकी बेटी ये है, और ये चंदू अब बहुत बड़ा हो गया है और इसकी शादी हो गई है कब का। ये सब इनके दोस्त वगैरह हैं इसमें। ये देखिए, और ये मेरी नंद का बेटा, उस टाइम पर बहुत छोटा था, 4-5 महीने का था करीबन ये। और ये है सास ससुर रिजा बाबू, और ये मेरे हस्बैंड, ये बारात में नाचते हुए दक्ष की बुआ, ऐसे नाच रहे हैं देखो ये लोग मस्ती में। ये रास्ता है हमारा, ये वाला गांव का घर है हमारा, ये रहा, हल्का दिख रहा है अभी इसमें, ये रास्ता है पूरा, ये नीचे आ रहा है जो यही वाला रास्ता है। ये दरवाजे की है शायद, जहाँ पे गेट बना था, ये हमारा घर है, पहले ऐसा दिखता था, अभी तो काफ़ी चेंज हो गया है। और शादी से आते समय ये लोग अल्मोड़ा ज़ू में रुके थे, बारात लेट हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट पूरा घूमेंगे फिरेंगे आराम से, ये हमारा पूरा परिवार। और ये जब बारात आ गई थी तब की एल्बम है, ये तब की फ़ोटोज़ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी फ्रेंड है, ये लोग दरवाजे में खड़े। और मैं सोच रही हूँ इससे आगे का पार्ट मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊँ, क्योंकि बहुत बड़ी एल्बम है, ऐसे में काफ़ी लंबी वीडियोस बन जाएगी, जो कि ठीक भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो दिक्कत भी होगी, आप लोगों को भी देखने में बोरियत सी हो जाएगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा अभी मैं उसके बाद वाला बताऊँगी कि बारात वाला, शादी वादी वाला बनाऊँगी, और फिर एक विदाई वाला, 3 पार्ट बनाऊँगी कम से कम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है और आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, आप लोग और देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना दूंगी, एक एक दो दो दिन के अंदर, ज़्यादा लंबा समय नहीं खींचूंगी। और शादी की कहानी के पार्ट जो है बाद में आएंगे, फिलहाल अभी शादी के एल्बम के चल रहे हैं तो मैं इन्हीं को निकालती हूँ। उसके तो मैंने 6 पार्ट फिर भी बना दिए हैं, 5 पार्ट बना दिए, इसका ये पहला पार्ट है ये वाला ससुराल वाला, इसका सेकंड बनाऊंगी एक और। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते, आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लग रहा है, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, मैं आप लोगों को बताती भी रहूँगी, एल्बम भी दिखाती रहूँगी इसमें साथ साथ में।
तो मुझे बताना ज़रूर कैसा लग रहा है आप लोगों को एल्बम देख के। और इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत जल्दी मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं दिखाऊंगी करके, तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताना। जल्दी मिलेंगे दोबारा से नए वीडियो के साथ, दूसरे पार्ट के साथ।